आप देख रहे हैं कि ये महेश्वरम मंडल है रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट का। ये हैदराबाद का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया हुआ मंडल है, मगर ये मंडल ऑफिस की अगर हालत देखें तो बिल्कुल दीवारों पर से पूरी तड़ा खा के गिरने की हालत के अंदर है। यहाँ पे पूरी हालत टूटी हुई है, बिल्डिंग इतनी तड़की भी है कि जो है यहाँ के जो लोग काम करने वाले अपनी जान पे खेल कर MR ऑफिस में ड्यूटी कर रहे हैं, सुबह घर से निकल के शाम में वापस घर को जाने का यकीन नहीं है। मैं आप तेलंगाना हुकूमत से सवाल करना चाहता हूँ, KCR साहब आप तो 350 करोड़ के बंगले में रह रहे और आप जो है हर MLA को जो है 1 करोड़ का बंगला बना के देने का वादा कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये मंडल ऑफिस के अंदर तमाम ये एरिया के पूरे मंडल के पूरे लोग जो है यहाँ पर आते, ये एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, तो यहाँ पर आने जाने वालों पे और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यहाँ पे काम करते, छोटे से छोटा एम्प्लॉय बड़े से बड़े मजिस्ट्रेट रैंक के ऑफिसर यहाँ पे काम करते, क्या उनकी जान की अहमियत आपके पास नहीं है क्या? मैं सवाल कर रहा हूँ तेलंगाना हुकूमत से, कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है कि आपको ये नज़र नहीं आ रहा क्या? आप बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि GHMC के अंदर हम बड़े बड़े बिल्डिंगा बनाने के वादे कर रहे हैं, मगर एक पब्लिक रिलेशन ऑफिस, एक मंडल ऑफिस महेश्वरम की एक 1985 की बनाई हुई ऑफिस है, इसकी हालत देखो। इसको जो है ना धावा गिर रहा तो जो है उसको एक पिलर देके सपोर्ट करके रखे, मगर दोबारा उसको एक नई बिल्डिंग बनाने के बारे में कोई एक्शन नहीं ले रहे। मैं सवाल करना चाहता हूँ कि यहाँ के लोकल MLA साहब, क्या उनको ये नहीं दिख रहा क्या? मैं KTR साहब, आपको ये, आप तक ये इन्फॉर्मेशन आई या नहीं? आपकी आंखों को नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा।